बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो हमने कोशिश की थी वो हमारी कोशिश जो है वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि आज आप ये नोटिस देख रहे हैं। इस नोटिस को देखिए, उस नोटिस के अंदर दिखाया गया है, ये नोटिस है आज का, जो कि आपको बता रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम 17 जुलाई से जो स्टार्ट होने थे वो प्रॉपर कैंसिल कर दिए गए हैं। और उसके बाद फिर ये बता रहा है कि इसमें इन्होंने असेसमेंट के लिए सोचा है। तो इनके पास असेसमेंट की एक स्कीम है जिनमें बताया कि जो पुराने लर्नर्स हैं, पुराने जो स्टूडेंट हैं, उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनको एक एवरेज मार्क्स दिए जा रहे हैं, जो चार सब्जेक्ट को लेकर के वो उन्होंने जो चार सब्जेक्ट में ऑप्टेन किए थे या फिर जो TMA में ऑप्टेन किए थे उनके लिए। तो पुराने अगर कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पिछली बार एग्ज़ाम दे चुका था 3 सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट में, और उसके आधार पर इस बार वो 1 या 2 सब्जेक्ट देने वाला था या 3 सब्जेक्ट देने वाला था एग्ज़ाम, तो उनके अब वो सब्जेक्ट में वो पास हो जाएगा और उनके पीछे के एग्ज़ाम के आधार पर उसको पास कर दिया जाएगा। तो ये बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नीचे, उन लर्नर के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनकी पास परफॉर्मेंस पीछे का देखा गया 3 सब्जेक्ट में एवरेज के अकॉर्डिंग, उनके 2 सब्जेक्ट को इस तरीके से उनको थ्योरी में सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं उनकी जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले थे उनकी बात करते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले थे, और उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया कि जो TMA के आधार पर उनको प्रैक्टिकल मार्क्स जो उनके आधार पर दोनों को मिला करके उनके सब्जेक्ट में उनको नंबर दे दिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है उसको भी ये प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूँ कि हम कामयाब हो चुके हैं इस चीज़ में कि हमें प्रमोट किया जाए और इनका नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी भी हमें ये कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि इसकी रिज़ल्ट यानी कि हमारे रिज़ल्ट आने की डेट शीट अभी कोई तय नहीं है। अभी ये इनका एक हमें एक इन्फॉर्म करना है कि यस हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये इसका इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला है कि आपको प्रमोट करने के बाद रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप सभी अपने वीडियोस बना करके सेंड कीजिए, वो करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम को सामने रख पाएँ और साथ ही ये बात बोल पाएँ कि हमें प्रमोट किया जाए। और प्रमोट करने पर जो ऑप्शन लिए जा रहे हैं हमें उससे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो रिज़ल्ट भी बहुत लेट आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो रिज़ल्ट भी जल्दी आए और ये असेसमेंट के बेस पर हमें फटाफट काम हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट, हमारे अपने रिज़ल्ट को जब हम देख लेंगे ऑनलाइन तो ही हम सेटिस्फाई हो पाएंगे, तो तभी हमारा समय बच पाएगा। तो आपसे, आप भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, इसमें आप सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है और आपके सभी TMA के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी है कि हमने प्रैक्टिकल नहीं दिया था या हम TMA नहीं जमा करा पाए थे, तो उनका क्या होगा, वो बच्चे कैसे पास होंगे, वो स्टूडेंट कैसे पास हो पाएंगे जिन्होंने अपना TMA जमा नहीं कर पाया था या फिर जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया था। TMA यानी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जमा नहीं हो पाए थे, या जिन सब्जेक्ट में हमने प्रैक्टिकल नहीं दिया था तो उसमें हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, तो मैं उनको बता दूं कि उनके लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है इसमें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं उन बच्चों को देना चाहता था। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, आपके लिए है कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन इस बात की है कि कैसे आपने आपके उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी एक लाइन ऑन जो लाइन है वो खोली जा रही है, यानी ऑनलाइन आप सबमिशंस जो आपके TMA रह गए थे या आपके नहीं हो पाए थे उनके लिए वो लाइंस खोली जा सकती है, जिसके लिए आगे बात की जा रही है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और ये बात रखी जा चुकी है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके प्रैक्टिकल और असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट हमारे इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि आपका सबमिट, आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है या प्रैक्टिकल सबमिट नहीं हुआ है, आपने एग्ज़ाम फीस जमा की थी यानी सबमिट की थी बट आपने असाइनमेंट या प्रैक्टिकल नहीं कर पाया है और आप सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम दे पाते, तो
ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनका जो उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट को आप असाइनमेंट या प्रैक्टिकल नहीं जमा हुआ, और बाकी स्टूडेंट जिन बच्चों का असाइनमेंट प्रैक्टिकल जमा हो चुका है उनके लिए हमें अभी भी लगातार थोड़ी सी कोशिश और करनी है, क्योंकि अब हम लगभग 99% कामयाब हो चुके हैं अपनी बात को रखने में, और उनसे यानी NIOS की अथॉरिटी से, एग्ज़ाम अथॉरिटी जो होती है उनसे ये बात कहने में कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अभी भी हमें रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो तब तक हमें ये कोशिश करते रहना है, क्योंकि रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, और इसमें तभी हम समझ पाएंगे कि यस हमारा काम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और आपकी सपोर्ट से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिन स्टूडेंट के असाइनमेंट या प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे बट वो जरूर अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले थे, उन सभी के लिए अब हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच।